माता की, भारत माता की, भारत माता की। कातोली इटावा अठारवा सभी क्षेत्रों के मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आप सबको मैं दिवाली का प्रणाम करता हूं। इस सारे क्षेत्र का बहुत प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलता है। 2014 में आपने मुझे चुनकर संसद सदस्य के रूप में भेजा। 2019 में पुनः मुझे आपके द्वारा संसद बनने का मौका मिला। यह आपकी प्रेरणा है, आपकी ऊर्जा है, आपका विश्वास, आपका भरोसा और जिस तरीके का प्यार आपने दिया, उसी स्नेह से, उसी आशीर्वाद से मुझे लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व मिला। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा जीवंत लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, आज हमें गर्व होता है कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां की जनता पर लोकतंत्र का विश्वास है, भरोसा है और इस लोकतंत्र के माध्यम से हमने 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए। आज देश दुनिया के अंदर हर क्षेत्र के अंदर नेतृत्व कर रहा है और इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर जहां भारत ने नए विकास के आयाम छुए हैं, वहां लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन भी किया है और ये सब किया हमने लोकतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से। और इसलिए हमें गर्व होता है कि हम सब लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं। भारत की जितनी बड़ी विविधताएं और जितना बड़ा विशाल भारत देश है, दुनिया के अंदर ऐसी विविधता और विशालता वाला देश नहीं है जहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग बोलियां, अलग अलग धर्म, दुनिया के जितने धर्म हैं वह सब धर्म भारत के अंदर है। जितनी हमारी विविधता है उतनी हमारी विशालता है और इसी विशालता और विविधता के कारण आज इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम तेजी से हर क्षेत्र के अंदर विकास कर रहे हैं और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के मैदान से आह्वान किया कि जब लोकतंत्र की 100 साल की यात्रा होगी तो भारत दुनिया का सबसे विकसित और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने वाला देश होगा। यह हमारी ताकत,
हमारी सामूहिकता की ताकत है। हमारे सामूहिकता के काम करने के संस्कार है, संस्कृति है, उसके कारण कोई भी चुनौती आती है, कोई भी आपदा आती है, उस आपदा और चुनौतियों को हम सामूहिकता के साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि हमारी गांव की संस्कृति में, हमारे गांव के संस्कार में, गांव में किसी एक परिवार के, किसी एक व्यक्ति के भी संकट आता है तो पूरा गांव उसके सहयोग के लिए खड़ा रहता है। और इसी संस्कृति संस्कार के कारण हमने बड़ी से बड़ी महामारियों को निपटा, उनकी चुनौतियों को निपटा। दुनिया के अंदर हमसे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत लेकिन कम जनसंख्या वाले देशों के आर्थिक तंत्र बिगड़ गए, चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ गया, लेकिन भारत की इतनी विशालता विविधता होने के बाद भी हमारी सामूहिक संकट शक्ति के कारण हमने कोरोना वैश्विक महामारी जैसी चुनौतियों से भी लड़ा। और हमारे गांव के किसान ने हमारे आर्थिक तंत्र को इतना मजबूत रखा कि शहर के अंदर नौजवान को जो नौकरी छूट गई थी उसको गांव के अंदर दो टाइम की रोटी खाने का इंतजाम किया। हमारा अन्नदाता हमारी ताकत है और अन्नदाता की ताकत के आधार पर आज कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला भारत है और 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की ताकत है तो दुनिया के अंदर भारत के अंदर है। एक तरफ हमारा किसान जो खेत पे खड़ा होकर खाद्यान्न पैदा कर लोगों को पेट भरने का काम करता है, दूसरी तरफ हमारा जवान सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा करने का काम करता है। यह हमारी सामर्थ्य शक्ति है और इसीलिए आज हमें हमारी धरती पर गर्व होता है और गौरवपूर्ण रूप से कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत के गौरव और सम्मान को दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। आज दुनिया के किसी भी देश में चल जाए जहां भारत का मूल रहता है, एक स्वाभिमान और गर्व सम्मान से उसने उस देश के अंदर आर्थिक रूप से भी मजबूत करने का काम किया, वहां पर कठिन दौर में सामाजिकता का भी काम किया। और यही हमारी सामर्थ्य शक्ति है। लेकिन इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमें अब आने वाले सालों के अंदर किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, उसके जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना है और इस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा जब कोई भी समस्या, कोई भी चुनौतियों का समाधान के लिए आप जैसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता काम करेंगे। और इसीलिए हमारा किसान कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे आर्थिक रूप से और सशक्त हो सकता है, इसके लिए हमें कार्य योजना बनानी पड़ेगी। मुझे आप पर भरोसा, आप पर विश्वास है। अभी मैं रास्ते में आ रहे थे तो मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि जो 18वां क्षेत्र, जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र था कृषि के क्षेत्र के अंदर, आज इन्हीं किसानों की नई आधुनिक खेती करने के कारण कुछ किसानों ने बेहतर तरीके की खेती कर अन्य किसानों की प्रेरणा देने का काम किया है, जिससे इस 18वां क्षेत्र के अंदर भी किसान की आर्थिक हालत में परिवर्तन हुआ है।
लेकिन ये हमारा छोटा लक्ष्य नहीं है, हमारा बहुत लंबा सपना है, बहुत लंबा लक्ष्य है। हम तो चाहते हैं भारत का एक एक किसान जो इस धरती मां को मां मानता है, उस धरती मां की मिट्टी का संरक्षण करते हुए एक लंबे समय तक हम मिट्टी को उपजाऊ होने से बचा के रखें, इसके लिए हमें नई तकनीकी आधुनिक खेती करनी होगी। और इसलिए जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं एक ही बात आप लोगों से आग्रह करता हूं कि हम हमारे गांव के अंदर कुछ ऐसे नौजवानों को जिन्होंने कॉलेज से, इंजीनियरिंग से, तकनीकी से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, वह गांव का नौजवान गांव से शहर की ओर पलायन ना करे, वह किसान के अंदर इतनी आमदनी पैदा करने की ताकत पैदा करे कि गांव में रहकर वह अपनी जमीन पर ज्यादा उत्पादन कर आर्थिक रूप से पूरे परिवार को पालने की सक्षम बनाने का काम करे। पिछले दिनों में दिल्ली के अंदर पूसा मेला के अंदर गया था, मैंने देखा वहां किस तरीके से हमारे नौजवानों ने, जिनको हम स्टार्टअप कहते हैं, जिन्होंने नए इनोवेशन किए, नए रिसर्च किए, कैसे कृषि के क्षेत्र के अंदर एक नए स्टार्टअप, नई कार्य योजना, नए इनोवेशन, नया रिसर्च, उसको करकर खेती को मुनाफे का काम करने का कार्य योजना बनाई। क्योंकि कोटा से भी 300 किसान गए थे, मैंने उनको कहा कि आप आकर देखें, लेकिन सारे किसान तो वहां दिल्ली नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए मैंने दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर के अधिकारियों से, स्टार्टअप के लोगों से, आईसीआर के अधिकारियों से सबसे चर्चा की। मुझे बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों ने चुनकर भेजा है, मैं कैसे मेरे किसान की आमदनी को बढ़ा सकता हूं। और इसीलिए आने वाले समय जनवरी के अंदर हम हर विधानसभा के अंदर एक किसान मेला लगाएंगे। उस किसान मेले के अंदर जो जितनी बढ़िया बीज की किस्म है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने उन बीजों के आधार पर उत्पादन बढ़ाने का काम किया है, ऐसी बीज की कंपनी आएगी, फर्टिलाइजर का कम उपयोग हो लेकिन फर्टिलाइजर का विकल्प ऐसा हो जिससे जमीन भी खराब न हो और उत्पादन भी बढ़ा रहे, उसके लिए नए इनोवेशन जो फर्टिलाइजर की के उन कंपनियों को लेकर आएंगे। पेस्टिसाइड जो दवा है, अभी दवा क्या करता है, किसान जाता है दुकान पर और कहता है ये इल्ली लगी, और दुकानदार दो मिलाकर देता है, उसको छिड़क देता है, उसकी जांच नहीं करता कि इल्ली क्यों लगी है, किस लिए लगी है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या है। अब तो इतने अच्छे क्वालिटी के बीज आने लगे जो एक गारंटी देते हैं कि इसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, और बीमारी भी लगे तो उस गांव के अंदर पांच पांच दस दस लोग ऐसे तैयार हो, जैसे उनको बीमारी का आभास हो वह कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहे, हम उनका आपस में संपर्क बना देंगे ताकि उस बीमारी के कारण फसल का नुकसान न हो। ऐसे कई सारे कृषि के उत्पादन के साथ साथ कृषि प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे गांव में नौजवान जो खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है, जो तिलन उत्पन्न हो रहा है, उसको किस तरीके से प्रोसेस करकर वैल्यू एडिशन करके उसकी कीमत को बढ़ा सके। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था, आप तक नहीं पहुंच पाया, कुछ जगह पहुंचा कुछ जगह नहीं पहुंचा, क्यों मेरी पीड़ा है कि मैं चाहता हूं कि गांव में पांच पांच दस दस नौजवान इस तरीके के तैयार हो,
हम चाहते हैं कि अगले 3 साल हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम किसान की मेड़ पर फलदार पौधे लगाएं, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 1 बीघा के अंदर कम से कम 10,000 फलदार पौधे लगाकर उसके फल की आबादी को बढ़ाने का काम करें। अभी मैंने 75,000 फलदार पौधे बांटे थे, लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं है। जितनी देश की बढ़िया क्वालिटी फलदार पौधे की है, आने वाले समय में आप सबसे चर्चा कर एक अच्छे फलदार की क्वालिटी जिसका उत्पादन भी ज्यादा हो और जो 15, 20, 25 साल तक फल दे सके, हम उसको फलदार पौधे को मेड़ पर कई स्थान पर खाली पर लगाकर उसकी हमें आमदनी बढ़ा सके। क्योंकि एग्रीकल्चर की आमदनी अगर बढ़ाना है तो हमें बहुत सारे विकल्पों पे काम करना पड़े। हमें फलदार पौधे लगाने पड़ेंगे, हमें किस तरीके से गांव में पशुपालन उद्योग बढ़े, इसके लिए पिछली बार मैंने आग्रहपूर्वक निवेदन किया है, कुछ लोगों ने पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के फॉर्म भरे, मैं 1 महीने और तैयारी कराऊंगा ताकि तमाम पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लोगों के फॉर्म बन जाए, और देश की वित्त मंत्री यहां पर आएगी और जो भी किसानों ने फॉर्म भरा है उनको पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1,60,000 रुपए तक का ऋण क्रेडिट लिंक मिलेगा। हमें जब बहुत सारे जगह पर हम काम करेंगे तब हम किसान की आमदनी को बढ़ा पाएंगे। इसी तरीके से गांव के अंदर जब गांव का उत्पादन, कई बार किसान गांव के अंदर फसल पैदा करता है, अच्छी फसल पैदा होने लगती है, अचानक कमी नदी में पानी आने के कारण डूब जाती है, कभी ओलावृष्टि के कारण डूब जाती है, किसान के सारे सपने चूर हो जाते हैं। कुछ लोगों को फसल बीमा करा रहे कारण कि फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती, और जानकारी के अभाव में फसल बीमा का बीमा होने के बाद भी बीमा कंपनियां उनको बीमा का भुगतान नहीं करती। वो लापरवाही कर सकती, लेकिन हमें सजग रहना पड़ेगा। और इसीलिए दिल्ली के अंदर मैंने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी और बैंकिंग सेक्रेटरी की मीटिंग बुलाकर कहा कि जो भी किसान फसल बीमा के अंदर बीमा कराया है, एक तो ये आपको जानकारी होना चाहिए फसल बीमा स्वैच्छिक है, आप चाहे तो फसल बीमा कराएं, आप चाहे तो नहीं कराएं, जबरदस्ती आपका बीमा कोई काट नहीं सकता, ये सब किसान को पता होना चाहिए। और उस फसल बीमा के अंदर जैसे फसल खराब हो, 5-5 नौजवान फसल बीमा की जानकारी रखे। इसके लिए भी जनवरी के अंदर कैंप लगाएंगे, हर गांव के अंदर 5 लोग फसल बीमा के बारे में समझें, और जैसे ही फसल खराब हो फसल बीमा का क्लेम मिलने के अंदर जो औपचारिकता है, उस औपचारिकता में सबसे बड़ी कमी थी कि फसल बीमा वाले आते थे और ये नहीं बताते थे कि नुकसान कितना हुआ, फार्म पर साइन करके चल जाते थे। मैंने पिछली बार कहा कि जिसकी फसल खराब हुई है उसकी फसल का जब सर्वे करने जाए तो सर्वे में जितना नुकसान हुआ एक कागज की कॉपी उसको भी दे, ताकि फसल बीमा के अंदर बीमा कंपनियां बेमानी करने लगे तो उसका क्लेम करके और फसल बीमा का लाभ मिल सके। हमें हर विषय की पूर्णता जानकारी होना चाहिए। हमारा किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, हम किस तरीके से लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। अब इस इलाके के अंदर कई रोड की कमी है, कई नहरों का पानी नहीं पहुंच रहा, कई बिजली की भी कमी है, कई जगह मैं देखता हूं कि स्कूल के अंदर कमरे नहीं है, कमरे हैं तो अध्यापक नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजों का अभाव है। और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई हमारे यहां डॉक्टर नहीं है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि बिड़ला जी दिल्ली से डॉक्टर जाएंगे,
पानी नहरों का नहीं आ रहा तो दिल्ली से पानी लेकर आएंगे, बिजली नहीं आ रही तो बिजली लेकर आएंगे, कोई बीमार पड़ जाए तो जा हॉस्पिटल खुला हुआ हॉस्पिटल में चल जा। आपके पास कोई आता है तो बड़ी अपेक्षा के साथ आता है, बड़ी विश्वास के साथ आता है। कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई भी व्यक्ति चाहे ग्राम पंचायत का लेकर आए चाहे दिल्ली की पंचायत का लेकर आए, हमारी कोशिश होनी चाहिए उसकी बात को सुनना, कैसे उसका निस्तारण हो सकता है, कैसे उसकी जानकारी के साथ उसको सहयोग मिल सकता है, उस उपयुक्त अधिकारी से बात करना और उसका निस्तारण करना। हमेशा जनप्रति को संवेदनशील होना चाहिए। कोई बुजुर्ग आपके पास आ गया और आप कह दो कि साहब मैं बीमार हूं, चल जाए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का रास्ता तो वो भी जानता है, लेकिन उसकी बीमारी कितनी गंभीर है आप उसको समझो। इटावा में हो सकता है इटावा में इलाज कराओ, जयपुर हो सकता है जयपुर कराओ, दिल्ली कराओ। और इसीलिए हमने कहा कि भाई गांव का व्यक्ति जानकारी के अभाव में कई बार हमारे पास नहीं आता, हमने कहा गांव गांव में चल चिकित्सालय भेजो, गाड़ी वहां पर जाएगी और उस गांव के अंदर जाएगी जहां पीएससी नहीं है, सीएससी नहीं है, जहां एएनएम नहीं है, सब सेंटर नहीं है, और उस गांव के अंदर उस गाड़ी को मेडिकल व्हीकल को भेजने का हमारा उद्देश्य इतना ही है कि वहां पर वह बीमारी की जांच करते करते उनको लगे कि ये एक गंभीर बीमारी है जिसकी जानकारी व्यक्ति को भी नहीं है, और जानकारी है तो धन का अभाव है, ऐसे सभी लोगों का इलाज चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बॉम्बे हो, हर व्यक्ति अपने इलाके के अंदर स्वस्थ रहे, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आपके कुछ इलाके में अभी गाड़ी आई है, आने वाले समय के अंदर हर गांव गांव के अंदर जाएगी। हमारी कोशिश है कि हर गांव के अंदर हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, क्योंकि कोरोना के समय हमने देख लिया था कि इस चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण हमारे कई लोग हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन गांव के अंदर व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करना और हर व्यक्ति का इलाज देश में कहीं भी हो सकता उसकी इलाज कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपने मुझे चुनकर भेजा है। कोई गर्भवती महिला है और गर्भवती महिला के पास गरीब है, अभाव में है, तो हम गर्भवती महिला को किस तरीके से अच्छा पोषण दें। पिछली बार जेके लोन के अंदर जब कई बच्चे एक साथ मरे थे तो मैं कई के घरों पे गया तो मैंने उन महिलाओं की हालत देखी, और महिलाओं की हालत देख कर मुझे लगा कि इनके पास धन का अभाव था, इसलिए इनको ठीक से खाने का सामान नहीं मिला, भोजन प्राप्त नहीं कर पाई। महिलाएं संवेदनशील होती है, पहले अपने परिवार को भोजन कराती है, बचा हुआ तो खुद लेती है। जब मां की बच्चा पैदा करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो बच्चा भी कुपोषित होगा। हमने कहा लोगों से कि भाई हमें लगता है कि हमारे इलाके के अंदर ऐसी महिला है, संस्था ने कहा कि हम 3000 महिलाओं को पहले चिन्हित करके उन तक किस तरीके से पोषण पहुंचाएं, तो 9 महीने तक और 1 महीना बच्चा होने के बाद 10 महीने तक उस महिला को अच्छा पोषण मिले, और उस पोषण मिलने के बाद उसका बच्चा भी ठीक होगा, बच्चे की मां भी ठीक होगी। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि हमारी आंखें सबसे गरीब वंचित व्यक्ति को देखना चाहिए, जो सबसे अभाव में है उसके अभाव को कैसे दूर कर सकते हैं। एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी, सबसे गरीब को देखोगे तो आपको बहुत दुआ मिलेगी, बहुत दुआ मिलेगी। और इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से हमेशा नाराजगी भी व्यक्त करता हूं। अब तुम्हारे गांव के अंदर कोई व्यक्ति है जिसकी आंख का चश्मा लगना है या आंख का ऑपरेशन हो रहा है, हम उसको चश्मा दिलाएंगे। किसी गांव के अंदर किसी बच्चे बड़े बुजुर्ग के हाथ पैर कहीं कट गया है या एक्सीडेंट हो गया तो उसके हाथ पैर लगाएंगे, किसी बुजुर्ग के दांत में बत्तीसी नहीं है तो उसको बत्तीसी दिलाएंगे,
कोई बुजुर्ग सुन नहीं सकता उसको कान की मशीन लगाएंगे, कोई बुजुर्ग को चलने में दिक्कत आती है तो मोटराइज साइकिल दिलाएंगे, कोई बुजुर्ग ऐसा है जो अब पैरों से विकलांग हो चुका है, चलने की क्षमता नहीं लेकिन घूमना चाहता है, उसको साइकिल दिलाएंगे। जो उसकी जिंदगी के अंदर बेहतर हो सके, उसकी जिंदगी को अच्छा कर सके, ये सब काम हमें करना है। दिवाली का पर्व ही लोगों के खुशियां उमंग लाने का है। जैसे हमारे जीवन में उमंग है, खुशी है, वैसे दूसरे के जीवन में भी उल्लास उमंग कमी आए, उसके अभाव को हमारे सहयोग से कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता को संवेदना के साथ काम करना चाहिए। और इसीलिए हम बहुत सारे काम इसलिए आपके सहयोग से करते हैं कि गांव के अंदर अच्छी चिकित्सा हो, अच्छी शिक्षा हो। मुझे पिछली बार कुछ गांव के लोगों ने कहा कि हमारा स्कूल अच्छा है, बच्चे बहुत है, कमरे नहीं है। क्षणे क्षणे जितने कमरे होंगे बनाएंगे, कुछ अच्छे बच्चे होंगे उनको डिजिटल जोड़कर अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है तो उसका हमने आईएएस कोचिंग वालों को दिल्ली में कहा कि आप निःशुल्क कोचिंग कराओ। कोई बेटा पीएमटी आईआईटी करना चाहता है, कोचिंग में कोचिंग है, उसके कहेंगे आप इसको निःशुल्क कराओ। जो काम भी एक गरीब व्यक्ति आपसे अपेक्षा के साथ आता है, उसकी हर अपेक्षा, उसकी हर आकांक्षा भाषण से पूरी नहीं होगी, अपने कर्तव्य दायित्व निभाकर ही पूरी होगी। ये जिम्मेदारी हमारी है। और इसलिए कभी भी मेरी एक परेशानी है कि मैं हर गांव ढाणी में मेरा जाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपने एक जिम्मेदारी दी थी माननीय संसद सदस्य और प्रधानमंत्री जी ने, दूसरी जिम्मेदारी इस लोकतंत्र को सशक्त बनाना, लोगों की बात को सुनना, देशभर के एमपीज की बात को सुनना, उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को सरकार के माध्यम से पूरी करना, ये भी जिम्मेदारी दी है। आपने मुझे भेजा था अकेला, मुझे 543 संसद सदस्यों की बात को सुनना पड़ता है, सुन तक सरकार तक पहुंचाना पड़ता है और सरकार उनकी आकांक्षा अपेक्षाएं पूरी करे, ये भी मेरा दायित्व है। लेकिन हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं दिवाली के पर्व पर, कोई भी काम हो असंभव कुछ नहीं है, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन अगर हमारा संकल्प होगा तो हम उस काम को पूरा करके ही रहेंगे, आप निश्चित मानिए। जो भी आपके पास आता है उसकी पीड़ा को समझ, कोई कहता है कि नहर में पानी नहीं आ रहा तो इंजीनियर से बात की, अभी मुझे रास्ते भर मिले लोगों ने कहा कि यहां पे नहरों में घटिया सामग्री का काम हो रहा है। हमें सचेत रहना चाहिए, कोई भी घटिया सामग्री का काम कर रहा है इंजीनियर को बताओ, एसीबी को बताओ और एसीबी इंजीनियर दोनों सुनते मुझे बताओ, कोई घटिया सामग्री का काम नहीं होगा, मिली भगत से काम किसी का नहीं होने दिए जाएंगे। ऐसे जो भी विषय आपके पास आते हैं, हर गांव में 5-10 कार्यकर्ता ऐसे तैयार होने चाहिए जो गांव की समस्याओं को समझे और हम तक पहुंचाए। कई बार गांव के अंदर कागज तो लिख के दे देते हैं, कागज में न तो नाम लिखते हैं, साइन मार देते हैं, न टेलीफोन नंबर लिखते हैं, न पता लिखते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह, आपका हर कागज मेरे लिए कीमती है, आज नहीं होगा कल होगा, एक साल बाद होगा, लेकिन उस कागज पर नाम पता टेलीफोन लिखकर दे। हर कागज आपकी समस्याओं का रजिस्टर्ड होने के बाद उस पर लगातार काम चलेगा, सरकार के पास धन आज नहीं तो कल धन आएगा, एक साल बाद आएगा, लेकिन इस इटावा को हम आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम करेंगे, नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, सब स्वस्थ रहें, कोई भी किसी तरह की कोई भी बीमारी हो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन की कमी के कारण
आपका इलाज रुकने वाला नहीं है। आप सबने इतना सक्षम बनाया और सक्षम नहीं है तो समाज है। हम तो सामूहिकता से काम करने की हमेशा हमारी संस्कृति संस्कार है। किसी को बोलते हैं किसी बच्चे को स्वेटर दो, किसी को कहते हैं भाई साइकिल दो, मोटरसाइकिल दो, जो कुछ भी बन सकता है। कभी भी राजनेता को चाहे सरपंच का काम हो तो भी दिल्ली की पंचायत के प्रतिनिधि को यह नहीं कहना चाहिए सरपंच का काम है। कई जनप्रतिनिधियों की बहुत आदत टालने की है, उन्हें कहा कागज फेंक, नहीं कभी नहीं। बहुत अपेक्षा से आपको लोग चुनकर भेजते हैं, बड़े विश्वास भरोसे के करते हैं। और इसीलिए जितना आप जनता का विश्वास भरोसा रखोगे, जनता उतनी बार आपको जिताकर भेजेगी। नहीं तो एक बार जीतोगे, दूसरी बार आपको जनता घर भेज देगी। जो जनप्रतिनिधि कई बार कहते हैं साहब हम हार गए, कार्यकर्ताओं ने हरा दिया, ये नहीं होता। जनता का विश्वास रखो, भरोसा पैदा करो, संवेदना के साथ काम करो। जो भी व्यक्ति आपको कोई काम बताता है, आप मुझसे संपर्क करो, मेरे ऑफिस से संपर्क करो, कुछ कार्यकर्ताओं को तैयार करो गांव में। और हर कार्यकर्ता, अभी मुझे पिछली बार ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती जो मुझे देखकर लगता है, मैं रजोपा में मिला तो एक किसान मुझे मिला कि मेरा अंगूठा न लगने से मेरे को तो राशन खत्म हो जाता है। आप चिंता मत करो, केवल मुझे तो हर 5 और 10 कार्यकर्ता तैयार करो गांव के अंदर, जो पूरे गांव को संभाले, जो गांव की चिंता करे, अपने गांव को आदर्श गांव बनाए। आदर्श केवल पत्थर लकड़ी चूने से आदर्श नहीं बनता, आदर्श बनता है उसके संवेदना के साथ, उसके अभाव गरीब व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने के साथ। और इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर समस्या का समाधान है, हमें विश्वास भरोसा होना चाहिए कि हमारी सामर्थ्य उसकी समस्या का समाधान आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन हर समस्या का समाधान हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। आपको बड़ी संख्या में यहां पर पधारे, मेरा इस इलाके में आना काफी लंबे समय हो गया था, तो मैंने कहा इस सारे इलाके में आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से आपका दर्शन करूं। आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला और आप विश्वास रखें, जिस विश्वास भरोसे के साथ आपने मुझे चुनकर भेजा है, मेरी कोशिश होगी कि आपके विश्वास भरोसे को कायम रखूं। लेकिन आपको हर व्यक्ति को गांव गांव में ओम बिरला बनना होगा और इस ओम बिरला बनकर काम करना होगा, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय का, कि कितनी बढ़िया बात कह दी कि हर मुश्किल का हल होता है आज नहीं तो कल होता है। दिल